शुक्रवार से पश्चिमी हिमालय इलाकों में दिखेगा पश्चिम विक्षोभ का असर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान, तो शुक्रवार को असम और मेघालय में भी छा सकता है बेहद घना कोहरा। मध्य कर्नाटक के मैंगलोर में अधिकतम तापमान रहा 34.6 डिग्री सेल्सियस, तो पूरे राजस्थान के पिलानी में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में, मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती है शीतलहर और कैसा रहेगा तापमान का हाल, साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में ये जान लेते हैं। आपको बता दें 22 जनवरी से पश्चिम हिमालय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश होने का अंदेशा है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान है। शुक्रवार को गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में इक्का-दुक्का जगह घना कोहरा छा सकता है। वहीं दो दिन बिहार में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। शुक्रवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने के आसार हैं। शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी काफी घना कोहरा छा सकता है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा, आइए नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर भी। अगले दो दिन देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ रहेगा, आइए जानते हैं। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। साथ ही शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है। वहीं अगले दो दिन उत्तराखंड में बारिश होने का अंदेशा नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही दो दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं दो दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार और शुक्रवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं दो दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले दो दिन कोंकण गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मराठवाड़ा में भी बरसात का अंदेशा नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले दो दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है, जबकि गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना दिख रही है। वहीं अगले दो दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना नहीं है। तो जाना आपने बारिश की स्थिति क्या रह सकती है अगले दो दिन, अब आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले बात अगर करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो आप देख सकते हैं यहां पर कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई।
साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कुछ जगह बारिश दर्ज हुई। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बेहद ठंड महसूस की गई, काफी ठंड यहां रही। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह अगर कोहरे की बात करें तो काफी घना कोहरा यहां देखने को मिला। बिहार में भी कुछ जगह काफी घना कोहरा छाया रहा। साथ ही पंजाब में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा, तो हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी मध्यम घना कोहरा छाया रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में आपको बता दें इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा छाया रहा, तो पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा देखने को मिला। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। बात अगर की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहां पर कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुआ। वहीं पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आपको बता दें देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सबसे पहले अगर बात करें खासतौर से गांधी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। ओडिशा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। वहीं झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। साथ ही मराठवाड़ा की अगर बात करें तो अधिकतर हिस्सों में भी यहां न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। दक्षिण कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां के भीतरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के पिलानी में दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान का भी हाल। फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना? भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा, देखे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं खासतौर से खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर निराई और रोपाई के लिहाज से समय अनुकूल है, ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से फसलों का चयन करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बात अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की अगर करें तो यहां किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें, यही सरसों की कटाई कर सकते हैं। सरसों के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इस समय सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में किसान सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान केसर के खेत की देखभाल करते रहे, साथ ही मटर के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। वहीं प्याज और लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। अभी प्याज की रुपाई के लिए उपयुक्त समय है, प्याज और लहसुन के खेत की सही तरीके से देखभाल करें। इसके अलावा गोभी की कटाई करें। जम्मू कश्मीर में चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कीवी के खेत में सिंचाई कर लें, यहीं बादाम और अखरोट की रुपाई करें। किसान टमाटर और बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। वहीं फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकाल लें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के खेत में निराई करते रहें, सरसों के खेत में भी विरलीकरण कर लें। वहाँ मटर के खेत की देखभाल करें, इस समय पालक और मेथी की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह धनिये की बुआई कर ले। अभी गाजर और मूली के खेत से घास फूस निकाले, शलगम के खेत से भी खरपतवार निकाल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लाल मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार करें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल में टमाटर की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं और खासतौर से व्यावसायिक रूप में जब से इसकी खेती की शुरुआत हुई है, ऐसे में आवश्यक होता है एक सही प्रबंधन आप अपनाएं। और फिलहाल का जो मौसम है उसको देखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं या किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा इसकी खेती के लिए, आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है, झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है, इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से आपको और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। बात अगर की जाए बिहार की तो यहाँ पर किसान गेहूं के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें, साथ ही मक्का के खेत से इस वक्त किसान खरपतवार निकाल सकते हैं। बिहार में मक्के खेत में आप निराई का काम इस वक्त कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ किसान आलू के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। बिहार के किसान इस वक्त प्याज की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही सरसों की बुआई के लिए उचित समय है। वहीं टमाटर के खेत की देखभाल किसान करते रहें। बिहार में अरहर और उड़द की भी देखभाल किसान लगातार करें, यानी निगरानी आप अपनी फसल की करते रहें। साथ ही बैंगन के खेत में निराई का काम किसान कर सकते हैं। बिहार में आलू के खेत में भी किसान निराई कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम के लिहाज से झारखंड को अगर देखा जाए, यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं ये आपको बता देते हैं। खासतौर से झारखंड के किसान इस वक्त धान में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। झारखंड में धान की रोपाई फिलहाल किसान कर सकते हैं। इस समय धान में कीट लगने की भी संभावना है, जो किसान पहले से धान खेती कर रहे हैं लगातार निगरानी आप करें और कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड में टमाटर और बैंगन की खेती के लिए किसान खेतों को तैयार कर सकते हैं। फूलगोभी और पत्ता गोभी की खेती के लिए भी किसान खेतों को तैयार कर लें। झारखंड के किसान सरसों के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। साथ ही यहां पर प्याज की रोपाई भी किसान कर सकते हैं। झारखंड के किसान मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले दो दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में ये आपको बता दें। 22 जनवरी से पश्चिमी हिमालय इलाकों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा जताया गया है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओले पड़ने का भी अनुमान है। गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में भी शुक्रवार को कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। गुरुवार को पंजाब हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छा सकता है। दो दिन बिहार में भी कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना है। शुक्रवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने के आसार हैं। नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में भी शुक्रवार को काफी घना कोहरा छा सकता है। और आइए अब देखते हैं देशभर के प्रमुख शहरों में क्या रहेगा तापमान का हाल।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।